आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर। मेरा नाम रंजना बाकुरा कामड़ी है, मैं कोली बुद्रुक से आई हूँ, तालुका घाटन जी है, जिला यवतमाल है। मेरे समूह का नाम गजानन महाराज समूह है। मेरा ग्राम संगठन का नाम लक्ष्मी माता ग्राम संगठन है। मैं सर 2015 से पशु सखी का काम कर रही हूँ गांव में, और शुरू शुरू में हमारे गांव में सिर्फ 20 बकरी पालक और 150 बकरी थी। 150 बकरी पर मैं काम करना शुरू कर दिया था। मेरे पास सिर्फ एक बकरी थी सर, एक बकरी से आज मेरे पास 40 बकरियां है मेरी खुद की, और मेरे गांव की आमदनी बढ़ गई है। हम ज्यादा से ज्यादा हर्बल डिवर्निंग मसाला बोलस ये प्रोडक्ट है सर हमारे पशु खाद्य के, और बकरी से दूध से हम ये साबुन बनाते हैं, और बकरी के दूध से साबुन। हाँ सर, ये साबुन है बकरी के दूध की। तो इसका कौन लेता है, इसको कौन खरीदता है? खरीदते हैं सर, हमारा ये ग्रुप है सर 60 पशु सखी का। कितनी कीमत एक साबुन कितनी कीमत का होता है? हम 20 रुपए में बेचते हैं सर। तो ये बकरी के दूध के साबुन के क्या फर्क पड़ता है? स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सर, और ये लगाने के लिए अच्छी है। अच्छा। और बकरी के दूध से हम पनीर बनाते हैं सर। ये पनीर है सर, पनीर बकरी है? के दूध से बना हुआ। और आइसक्रीम बनाते हैं बकरी के दूध से। जो भी चीजें है बकरी से, बकरी की कुछ भी वेस्टेड नहीं जाती। हम बकरी की लेंडी खाद से लेंडी खाद बनाते हैं कि जो कि खेती के काम आए, और बकरी के लिए ये दाना मिश्रण है सर। ये पूरे आपके समूह पास कुल कितनी बकरियां होगी, कितने दूध रोजाना काम करते हैं? हमारे पास 2900 बकरियां है सर। 2900? वाह। हम हमारे घाटन जी ब्लॉक में पशु संसाधन केंद्र खोले हैं, तो हम 60 दीदी वहाँ पे काम कर रहे हैं, और हमारे पशुपालक है ज्यादा से ज्यादा जुड़े हैं हमारे साथ, और हम आशा करते हैं सर कि हम इससे भी ज्यादा हमारे पशु संसाधन केंद्र में जोड़ेंगे, और हमारा बिजनेस है वो आगे चलेगा, यही आशा करते हैं सर। और हम मेरी खुद की मेरे लिए बिल्कुल ये नई जानकारी है कि बकरियों के माध्यम से इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया जा सकता है। हाँ, मैंने कभी इतना सुना नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत। मेरे अच्छा पास सर एक ही बकरी थी सर, मैं आज मेरे पास 40 बकरियां है, और मेरी खुद की मैं मेमना नर्सरी कर रही हूँ। अच्छा, ये बकरियां वगैरह बीमार हो जाए तो क्या करते हैं? हम प्राथमिक उपचार करते हैं सर, हमको ट्रेनिंग मिला है 5 दिन का, तो जो हर्बल है वो हर्बल पर हम काम करते हैं, लसीकरण डीवर्निंग पर हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं सर। जो बारिश आती है तो बकरियां बीमार ना हो, तो उनका वक्त पर टाइम पर लसीकरण हो, उनका डीवर्निंग हम हर्बल का डीवर्निंग पिलाते हैं, जो उनके पेट में कीड़े ना हो, इसलिए हम गांव पर ही काम करते हैं सर। बहुत बढ़िया काम कर रही हैं आप। और भी कोई है आपके सहेली, आपके सहयोगी? हाँ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम सौ लक्ष्मी अमोल शेंडे है, मैं वर्धा जिला से हूँ, सिंधी मेघे से। मेरा पापड़ का बिजनेस है। मेरी समूह से जुड़ने से पहले मेरी आर्थिक परिस्थिति बहुत ही बिकट थी सर, मेरे पति की जॉब छूट गई थी, मेरे पास कार्य करने के लिए कुछ भी साधन नहीं था, तो मैंने समूह में जुड़ने के बाद छोटा सा पापड़ का बिजनेस शुरू किया था सर। तो तब हम दोनों पति पत्नी ही काम करते थे, लोग हम पर हंसते थे सर, लेकिन जब जैसे मेरे ऑर्डर बढ़ते गए, मेरा प्रोडक्ट लोगों को पसंद आते गया, वैसे मैंने अपने समूह के दो दीदियों को साथ में लिया और हमारा काम आगे बढ़ाया। उससे हमारी 4 दीदियाँ हुई, उससे 10 दीदियाँ हुई, और अभी हमारा काम इतना बड़ा है कि नागपुर जिला के जो छोटे छोटे शॉप्स है वहाँ पर भी हमारा माल जाता है, वर्धा जिला में भी है, और हमारा खुद का वर्धिनी ब्रांड है वर्धे का, जो हमने रजिस्टर किया है उम्मीद अभियान में, हमारा शॉप है, तो वहाँ पे भी हमारा माल जाता है, रूरल मॉल में भी हमारा माल जाता है, और हमारे प्रोडक्ट जो अभी अभियान के जो एग्जीबिशंस होते हैं वहाँ पे भी हमारा माल जाता है। तो हमारी कुल आमदनी जो मंथली है वो 30-35 हज़ार रुपये जो आता है, तो हम जो 11 महिला है वो खुद हम बांट लेते हैं। पहली बात ये सर कि मैं पहले अपने घर का 5 हज़ार भी खर्चा नहीं चला पा रही थी, अभी मैं 15 हज़ार रुपये घर खर्चा चलाती हूँ सर, इसमें मेरे पति का बहुत ही सपोर्ट है सर। दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे अभी कॉन्वेंट में पढ़ने लगे हैं, और मेरा जो समूह है वो बहुत ये प्रोडक्ट की वजह से बहुत ही जाना जाता है सर,
और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर ये इस अभियान को कि हमें ये नई दिशा दी आगे जाने का आगे बढ़ने का ये अवसर दिया मुझे वहां से बहुत प्रशिक्षण मिले। दुनिया भर में ये जो लिज्जत पापड़ पॉपुलर हुआ है लिज्जत पापड़ वो कैसे शुरू हुआ था मालूम है? हाँ सर मालूम है। क्या आठ बहनों ने शुरू किया था 700 के 800 रुपए से शुरू किया था अभी वो बाहर देशों में भी अपने पापड़ जा रहे हैं। आज वो अरबों खरबों का काम करती हैं। ये 5-10 बहनों ने इकट्ठा होकर के काम शुरू किया था और आदिवासी महिलाओं ने काम किया था और आज दुनिया भर में उसका नाम हो गया। ये ताकत है इसकी। हाँ सर और अभी हम ये जो है पालक ये टमाटर के फ्लेवर के पापड़ है इसमें चावल का आटा है ये बीट के पापड़ है इसमें भी चावल का आटा है ये पालक के पापड़ है इसमें भी चावल का आटा है ये हमारी वर्धा जिला की जो वायगांव हल्दी है इसका भी हमारा बिजनेस है। हम जो महिला पूरी वर्धा की मिलके जो समूह की महिला है वो मिलके बनाते हैं तो इस अभियान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। हमें इसकी ब्रांडिंग कैसी करनी है मार्केटिंग कैसी करनी है इसका लेबल कैसा करना है पैकेजिंग कैसी करनी है ये हमारा हमें वहाँ से प्रशिक्षण मिला अभियान से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी सर इस अभियान को कि मुझे ये नई दिशा मिली। आपका शुभ नाम क्या बताया? सौ लक्ष्मी अमोल शिंदे। अच्छा और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? यस सर। क्या नमस्कार सर होते सर। हाँ। मेरा नाम सोनू मांडरे है मैं कोला इस गांव के बिलोंग करती हूँ और मैं DDU GKY की तरफ से ट्रेनिंग लिया था 3 महीने का धात्री फाउंडेशन में और अभी मैं फिलहाल मेरा घर का पहले का स्थिति बहुत ही खराब था और जिससे कि मैंने 12th में ही अपना पढ़ाई छोड़ दिया था सर डिमोटिवेट हो गई थी लेकिन DDU GKY की जानकारी मुझे महिला बचत गट की तरफ से मिली तो मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग लेने का सोचा तो मम्मी डैडी से बात करके मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग लिया। मेरे घर पे 7 सदस्य है सर उसमें मेरे मम्मी डैडी और मेरी 4 बहनें और एक भाई है और मैं 3 महीने का ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला है सर क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ के में जुड़ने के बाद उसमें सॉफ्ट स्किल कैसा होना चाहिए बिहेवियर कैसा होना चाहिए टीम वर्क क्या होता है टाइम मैनेजमेंट क्या होता है मनी मैनेजमेंट क्या होता है ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें थे जो प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ने के बाद हमें काम आती है तो वो सब चीज़ें मुझे सीखने को मिली और कॉलिंग इंटरव्यू होने के बाद मेरा सिलेक्शन हैदराबाद की मेगस कस्टमर डायलॉग इस कंपनी में हुआ तो मेरा सैलरी स्टार्टिंग था 7200 और उसमें बीच बीच में मैंने कुछ महीनों में इंसेंटिव भी मिलाना शुरू कर दिया उसमें मेरा हायर सैलरी भी गया था 22000 तक और उसमें ही मैंने पापा का जो पापा को फाइनेंशियल सपोर्ट किया 40000 मैंने पापा को भी दिए और उसमें मेरे भाई को मैंने 70000 का बाइक गिफ्ट भी दिया है और बहन की शादी के लिए 40000 मैंने सेविंग पे भी रखा है सर और साथ में अभी मैं वहाँ पे ही मराठी प्रोसेस की ट्रेनर हूँ क्योंकि मेरा हार्डवर्क देख के उन्होंने मुझे प्रमोट किया है तो मराठी प्रोसेस की ट्रेनर हूँ सर क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ तो मराठी अच्छे से जानती हूँ तो इसीलिए और अभी मैं चाहती हूँ सर मेरा एक छोटा सा सपना है कि जिस तरह से मैं यहाँ पे ट्रेनर के फील्ड में आ चुकी हूँ तो DDU GKY जो भी योजना है जो युवा पीढ़ी को प्रमोट करता है जो जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है या फिर पढ़ाई नहीं कर पाते छोटे छोटे रीजंस की वजह से तो मैं ऐसे युवा पीढ़ी को गाइड करना चाहती हूँ सर उनके लिए एक इंस्पिरेशन साबित करना होना चाहती हूँ। आपका आपका जीवन ही अपने आप में इंस्पिरेशन बन सकता है। आपने स्कूलों में जाना चाहिए जो ड्रॉप आउट करके बाहर निकले इन बच्चों को मिल करके बातें करनी चाहिए जो आप चाहती हो जरूर सपना आपका पूरा होगा। देखिए कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में कैसे काम होता है आपको मालूम ही है कि कई महिलाएं ऐसी हैं जो इस कार्य से बहुत समय से जुड़ी हुई हैं। वह इस कार्यक्रम को खुद तो चलाती हैं साथ ही कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में नए गांवों में भी जाकर वहां की महिलाओं को इसके लिए प्रेरित करती हैं।